राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। प्रेमी ने अपने साथी को सुपारी देकर महिला के पति की बड़े ही सातिराना तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला और उसके प्रेमी के साथ कॉन्ट्रैक्टर किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर पूर्वी जिले के न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में रहने वाले सुबोध जैन, जो कि पेशे से एक स्कूल संचालक हैं, वह अपने घर में बेसुध पड़े हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि सुबोध बेड पर बेसुध हालत में है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस सुबोध जैन को तुरंत जग प्रवेश अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की तो प्रीति जैन के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वह हरियाणा के रहने वाले 30 साल के राहुल जैन से अक्सर बात किया करती थी, जिसके बाद राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। मौके पर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि सुबोध जैन नाम का एक आदमी है जो उसके घर में बेहोश पड़ा हुआ है, जिस पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे। फिर इसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम में पता चला कि जो डेथ हुई है उसका रीज़न एस्फेक्शिया है और वो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से है। इससे पुलिस को शक हुआ और इसकी जो पत्नी है वो उस टाइम पे घर पर नहीं थी, वो अपने मायके चली गई थी कबूल नगर। पत्नी से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि इसके पति यहाँ अकेले थे और इससे पहले भी 2-3 बार बेहोश हो चुके थे। इनके मोबाइल को जब चेक किया गया तो मोबाइल से पता चला कि जो इनकी पत्नी है प्रीति जैन, उनकी बात एक लड़के से होती है, काफ़ी लंबी बात होती है, शत्रुघ्न उसका नाम था। जब हमने उससे बातचीत करी तो उसने बताया कि मैं नॉर्मल बातें ही किया करता था, लेकिन एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिससे इसका अफेयर है। हमने जब राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया, जो कि यहाँ अवेलेबल था, उसने फिर फाइनली डिस्क्लोज़ करा, उसका मोबाइल चेक करा, कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस आए, जिसके बाद में उसने डिस्क्लोज़ करा कि उसका प्रीति जैन से इलिसिट अफेयर था और प्रीति जैन और इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि इनको जो है वो रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसके लिए इनको एक आदमी की ज़रूरत थी। राहुल ने अपना एक दोस्त विजय, जिसको कि पैसे की ज़रूरत थी, उसको पैसे का लालच दिया और उसको बोला कि तुझे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे अगर तू हमारा ये काम कर देगा। इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग करी और ये कश्मीरी गेट के पास में एक मैकडोनाल्ड है, वहाँ मिले, वहाँ इन्होंने प्लानिंग करी, डील फाइनल हुई और उसके बाद में 1 तारीख की शाम को विजय और राहुल इस तरफ आए। राहुल जो है वो बीच में रुक गया, विजय इनके घर पे गया, उसके पास में एक चाबी जो कि प्रीति जैन ने इसको पहले ही दे दी थी, वो चाबी से इसने गेट खोला और जब अंदर घुसा तो देखा कि सुबोध जैन ऑलरेडी बेहोशी की हालत में है। उसका रीज़न बाद में प्रीति जैन ने बताया कि उसने नींद की गोलियां दे दी थी 10-12, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नींद में था। और जब विजय वहाँ पहुँचा तो उसने रस्सी से इसका गला घोट दिया और इसको मार दिया और इसको एक रॉबरी का एंगल देने के लिए घर से लैपटॉप मोबाइल वहाँ से लेके चले गया। इसकी पत्नी ने बताया कि उनका मोबाइल और लैपटॉप और कुछ पैसे गायब हैं, तो हमें इनिशियली ये लगा कि शायद ये रॉबरी की वजह से हुआ है, लेकिन टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन हुई, मोबाइल और व्हाट्सएप पे जो बातें हुई, उनसे सारी चीज़ें सामने आ गई। इन तीनों ने जो है वो कन्फेस कर लिया है। विजय, राहुल और प्रीति जैन की इसमें अरेस्ट हो गई है और ये अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि प्रीति जैन का संबंध अपने पति से ठीक नहीं चल रहे थे। प्रीति का अपने देवर राहुल के साथ अवैध संबंध था और प्रीति राहुल के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए दोनों ने ISBT स्थित मैकडोनल्ड में अपने पति को ठिकाने लगाने की साजिश को रच डाला। साजिश को अंजाम तक पहुँचाने के लिए राहुल ने अपने दोस्त विजय को सुबोध की हत्या के लिए 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी। साजिश को अंजाम देने के लिए बुधवार को प्रीति ने अपने पति को नींद की दवा खिला दी और घर को लॉक कर बेटे के साथ बाहर चली गई। घर से निकलकर उसने पति को बेहोश करने की जानकारी राहुल को दी। राहुल ने विजय को सूचना दी। विजय सुबोध के घर पहुंचा और पहले से ताले की चाबी से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ और नींद की दवा की वजह से गहरी नींद में सो रहे सुबोध की गला दबाकर हत्या कर घर में रखा लैपटॉप मोबाइल लेकर फरार हो गया, ताकि मामला लूटपाट का लगे। रिलेटिव नहीं लगी थी उनके साथ अच्छी, क्यों? तो तलाक भी ले सकती थी। तलाक के लिए तो मुझे मना कर दिया था, सबसे कोशिश की। आजा मैं हेलो टॉर्चर करता हैं, टॉर्चर करता किसको?
भाभी। तो भाभी से आप क्या प्यार करते थे? आपका अफेयर चल रहा था भाभी से? कितने दिन से? 4-5 साल से। कितने पैसे लिए थे उनको मरवाने के लिए आपने राजेश? कितने पैसे दिए उनको? 2 लाख रुपए। पुलिस की तफ्तीश में इनकी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने सुबोध की हत्या के आरोप में पत्नी प्रीति जैन, राहुल जैन और विजय को गिरफ्तार कर लूटा गया लैपटॉप, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।